वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण विज्ञान। इसका सातवां पाठ मैंने आपके लिए कल शुरू किया था बेटे, और हाइड्रोजन ऊर्जा पर छोड़ दिया था, वहीं से आज शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो बेटा। ये आपके लिए सभी के सभी यूजी कोर्सेज में सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में शामिल किया गया पेपर है। पेपर का नाम है पर्यावरण विज्ञान, और इसमें आपका सातवां पाठ मैं आपको करा रही हूँ, प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा संसाधन। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में। तो हाइड्रोजन ऊर्जा क्या होती है? जैसे ही हाइड्रोजन हवा में जलता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी बनाता है, H2O बना देता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, और काफी मात्रा में इसमें ऊर्जा भी निकलती है, जो कि लगभग 150 किलोग्राम किलोजूल प्रति ग्राम निकलती है। हाइड्रोजन अगर 1 किलोग्राम मतलब 1 ग्राम जलता है, तो उसमें आपकी 1.5 कह लीजिए, यानी कि 1 किलोजूल प्रति ग्राम, 150 किलोजूल प्रति ग्राम ऊर्जा निकलती है। 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर जलता है तो 150 किलोजूल ऊर्जा हमें मिलती है। तो हाइड्रोजन जो होता है उच्चतम कैलोरी मान होता है इसका, बहुत ज्यादा हाईली इनफ्लेमेबल होता है, और बहुत ज्यादा इससे एनर्जी भी निकलती है, इसलिए इसे एक बेहतरीन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन जो है ये बहुत से कामों के लिए एक स्वच्छ ईंधन है, जिसमें कि प्रदूषण नहीं होता है, कार्बन का एमिशन नहीं होता है, ऊर्जा भंडारण का ये माध्यम भी है। लेकिन इसे हम घरेलू इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा इसमें से निकलती है। इसका उत्पादन होता है थर्मल सेपरेशन से होता है, फोटोलिसिस से होता है, या फिर पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, और डिस्टिलरी स्टार्च वगैरह जैसे जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, वो भी जैविक रूपांतरण के द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। डिस्टिलरी होता है या स्टार्च होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन होता है, उसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हाइड्रोजन बन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और साथ में पानी बन जाता है, और हाईली एक तरह से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इसके फायदे क्या क्या हैं? वर्तमान में तरल हाइड्रोजन के रूप में अंतरिक्ष यानों में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इसे घरों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर ग्राम जो एनर्जी निकलती है बहुत ज्यादा निकलती है। इसके अलावा विद्युत उत्पन्न करने के लिए ईंधन सेल में उपयोग किया जा सकता है, इसको बिजली उत्पन्न करने के लिए ईंधन सेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में ये बहुत हल्का होता है, इसलिए इसे थोक में स्टोर भी किया जा सकता है। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है? हाइड्रोजन बहुत ज्यादा विस्फोटक होता है और बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसलिए ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है और सुरक्षित संचालन की जरूरत पड़ती है। हर कोई इसको इस्तेमाल ऐसे ही नहीं कर सकता है। साथ में इसके भंडारण में, इसके ट्रांसपोर्ट में, यानी कि इसको स्टोर करने में, इसको ट्रांसपोर्ट करने में, यहाँ से वहां ले जाने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती है। अगली है बेटे समुद्री ऊर्जा, ओशियन एनर्जी के नाम से जिसको हम जानते हैं। और आप सभी को ये भी मालूम है कि समुद्र जो है वो पृथ्वी की 70% जो एक तरह से समुद्र पे है, एक तरह से पृथ्वी के 70% हिस्से पर समुद्र है। तो महासागर जो है वो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सूरज और चंद्रमा के बीच बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, सूरज में और चंद्रमा में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, जो ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, ज्वार भाटा आता है जिसे टाइड कहते हैं, उसको समुद्र जल के उठने का और गिरने का जो ज्वार होता है, उठने वाले जब समुद्र में पानी उठता है तो उसे उच्च ज्वार कहा जाता है, और जब गिरता है तो उसे निम्न ज्वार कहा जाता है। इससे ज्वारीय ऊर्जा मिलती है, टाइडल एनर्जी मिलती है, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता लगभग 15,000 मेगावाट के आसपास अंदाजा है कि है हमारे पास। भारत में संभावित ज्वारीय शक्ति खंबात की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से, सुंदरबन डेल्टा से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, लक्षद्वीप द्वीप समूह से, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहां से हमें ये ज्वारीय ऊर्जा मिलती है, टाइडल एनर्जी। इसके अलावा एक होती है बेटा महासागरीय तरंग ऊर्जा। तो महासागरों में जो तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं, उनमें भी काफी ज्यादा एक तरीके से एनर्जी होती है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ द ऑसिलेटिंग वाटर, इस पर काम करता है, दोलनशील जल स्तंभ के सिद्धांत पर काम करती है शक्ति। भारत ने अपने देशी प्रयासों के माध्यम से केरल में त्रिवेंद्रम के पास विनिनिजम फिशरी हार्बर में एक तरंग ऊर्जा परियोजना शुरू की है। लेटेस्ट चीजें हैं बेटा ये, जो कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में उन एरियाज में इसको इस्तेमाल करने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है।
इसके बाद एक है बेटा ओशन थर्मल एनर्जी, जिसे समुद्री तापीय ऊर्जा कहा जाएगा। जैसे ही सूरज की रोशनी समुद्र की सतह पर पड़ती है बेटा, ऊपर ही लेयर पर जब समुद्र की रोशनी पर जो पड़ती है, तो ऊपर की सतह जो होती है पानी की, वो गर्म हो जाती है, जबकि नीचे का जो पानी होता है समुद्र में वो थोड़ा ठंडा होता है, उतना ज्यादा गर्म नहीं होता। तो इससे जो ऊपर की परत में और नीचे की परत में जो तापमान का अंतर आता है, उसमें से एक एनर्जी निकालने का एक काम किया जा सकता है। तो इसी के लिए आपको बताया गया है कि समुद्र की ऊपरी और निचले परतों के बीच जो ये तापमान का अंतर होता है, इसका इस्तेमाल महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण के लिए विद्युत संयंत्रों के माध्यम से किया जाता है, और इससे बिजली बनाई जाती है, विद्युत उत्पादन किया जाता है इससे। OTEC यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन पावर प्लांट, विद्युत संयंत्र के माध्यम से बिजली के, इनके पास पूरा का पूरा प्लांट होता है, उसके माध्यम से यहाँ से बिजली उत्पादन करने के लिए सतह और गहरे जो स्तर होते हैं समुद्र के, उनके बीच में एक तरह से एनर्जी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऊपर के तापमान में और नीचे के तापमान में अंतर 2000 कोणाचार होना चाहिए, ये टेम्परेचर का यूनिट होता है बेटा, तभी एनर्जी निकल सकती है। महासागर या तरंग ऊर्जा जो है वो ज्वारीय ऊर्जा मुक्त है, उसमें ज्वार की ऊर्जा नहीं होती है। साथ में महासागरीय प्रणालियों द्वारा विद्युत के उत्पादन से क्या होता है कि प्रदूषण नहीं होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं, कार्बन का उत्पादन नहीं होता है, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, ये साफ सुथरी ऊर्जाएं होती हैं। ऊर्जा ग्रहण और रूपांतरण तंत्र से तटरेखा की रक्षा करने में मदद हो जाती है। साथ में इससे क्या होता है कि जो किनारे हैं, कोस्टल एरिया है, उनकी रक्षा भी हो जाती है, साथ में जब वहां से हम ऊर्जा ग्रहण कर रहे होते हैं तो। इसके अलावा बिजली का यहाँ पर निरंतर उत्पादन होता है, क्योंकि जार एक दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन लगातार चलता रहता है, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, लगातार चलता रहता है, इसलिए यहाँ से लगातार बिजली बनाई जा सकती है। इसके नुकसान क्या है, इससे क्या होता है कि वन्य जीव आवासों के विस्थापन का कारण बनता है। जब वहां पर ये सारे बड़े बड़े प्लांट लग जाते हैं, जो वन्य जीव होती है किनारे की कोस्टल एरियाज के, वो सारे चले जाते हैं, और साथ में जब टाइडल बैराज जो होता है उसमें टर्बाइन जब घूमती है, तो उससे जो वहां की रहने वाली मछलियां होती हैं वो मर जाया करती। साथ ही महासागरों से ऊर्जा का दोहन केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां उपयुक्त तरंगति हो या ज्वारीय प्रवाह हो, यानी कि जहां सही टाइड्स हो, जहां सही लहरें हो, वहीं पर आप एनर्जी निकाल सकते हैं, हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। साथ में इसका अंतर्देशीय उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सारे एक देश में हमारे पास समुद्र नहीं है। ऊर्जा का उत्पादन सिर्फ ज्वार भाटे के दौरान ही किया जा सकता है, जब ज्वार भाटा आ रहा है सिर्फ तभी किया जा सकता है, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा शुरुआती लागत बहुत ज्यादा है, क्योंकि बैराज सिस्टम जो है इसमें लगे उपकरण लवण प्रतिरोधी होने चाहिए, यानी कि उन पर सॉल्ट का असर नहीं पड़ना चाहिए, वरना समुद्र का जो सॉल्ट है उनको बर्बाद कर देगा। इसके अलावा जिन चैनलों पर बैराज बनाया गया है उनके माध्यम से बड़े समुद्री जहाजों और जानवरों की आवाजाही जो है वो डिस्टर्ब होती है, जानवरों को आने जाने में परेशानी होती है, जहाजों को आने जाने में परेशानी होती है। तूफान के दौरान बहुत ज्यादा तेज लहरें उत्पन्न होती हैं, जिनसे कि इसके टूटने का भी डर रहता है। अगली पढ़ेंगे हम बेटा भूतापीय ऊर्जा। एक बार फिर से बता दूं बेटा, हम लोग वैकल्पिक स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं ऊर्जा के। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जो कि हमें जीवाश्म ईंधनों के ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करने होते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस, इनकी बजाय जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है बेटा। इनमें छठा है आपका भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो धरती के अंदर मौजूद चट्टानों के, गर्म चट्टानों में से उत्पन्न की जाती है बेटा, उत्पन्न होती है। धरती के अंदर जो चट्टाने हैं वो बहुत गर्म होती हैं, तो चट्टानों के अंदर नेचुरली कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है वो टूटता है, उससे क्या होता है कि वहां पर गर्मी उत्पन्न होती है। रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है वहां पर अपने आप विखंडित होता है, उससे क्या होता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ये ऊर्जा जो होती है भाप या गर्म बल के रूप में या तो धरती की सतह से या फिर दरारों के माध्यम से प्राकृतिक गीजर के रूप में जमीन पर निकलती है ना। ऊपर ये पानी के साथ कई बार निकलती है, जैसे मणिकरण में आप देखते हैं, कुल्लू सोहाना में, हरियाणा में देखते हैं, वहां पर क्या होता है कि पानी गर्म निकलता है मणिकरण में, उसमें लोग चावल डालते हैं अपने आप पक जाती हैं। तो ये क्या है, ये धरती की भूतापीय ऊर्जा है। चट्टाने जो है उनके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव जो है विखंडन होता है, उससे ऊर्जा निकलती है, उससे वहां का पानी गर्म हो जाता है।
तो जिस ऊर्जा को बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती हो, कृत्रिम रूप से गर्म चट्टानों तक सुराख करके भाप या गर्म जल को उच्च दबाव पर पाइप के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अंदर कुछ तो ऊर्जा ऐसी है जो निकल गई, कहीं हमें दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऊर्जा ऐसी भी है जो बाहर नहीं निकल पा रही है, अंदर स्टोर है, गर्मी है, उसको पाइप लगा के सुराख करके बाहर निकाला जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके लाभ क्या होते हैं? भूतापीय ऊर्जा का आजीवन बार बार उपयोग किया जा सकता है। आप सारी जिंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार प्लांट लगा दिया तो। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा जो है वो सबसे साफ ऊर्जा स्रोतों में से एक है, क्योंकि इसे विद्युत पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन को नहीं जलाया जाता है, कार्बन का एमिशन नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती है। साथ में बेटा हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की तीन परतें पड़ी थी। सबसे पहले भूपर पट्टी, उसके नीचे आपका जो था मेंटल था, उसके नीचे कोर था। तो कोर से जब ये ऊर्जा आती है तो बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा होती है, और इसकी वजह से भूतापीय संयंत्र जो होते हैं उनमें विद्युत उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है। इस तरीके से हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या क्या है? भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी जगह खोदने की जरूरत होती है, जहां निरंतर और पर्याप्त मात्रा में गर्म भाप मौजूद होती रहे, यानी कि लगातार मिलती रहे और काफी मात्रा में मिलती रहे, ऐसा स्पेस चाहिए होता है। इसलिए भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सभी क्षेत्र उपयुक्त तो नहीं है, हर जगह नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, बहुत पैसा चाहिए होता है। इसके अलावा भूतापीय साइट को अंतिम रूप देने के लिए ड्रिलिंग और परीक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत धन की आवश्यकता होती है, मतलब धन चाहिए, स्किल चाहिए, साथ में बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, जमीन चाहिए, ठीक है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए और बहुत स्किल चाहिए। बायोमास ऊर्जा की बात करें तो पौधों और जानवरों द्वारा निर्मित जैविक या कार्बनिक पदार्थ, जिससे कृषि अवशिष्ट, फसल अवशेष, लकड़ी, खाद, मवेशियों का गोबर, सीवेज आदि शामिल हैं, जो कि बायोमास ऊर्जा कही जाती है, जिससे आपने नाम सुना होगा कॉमन सा एक बायोगैस बेटा, है ना। तो कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट बायोमास, कृषि फसल के अवशेष होती है, खोई होती है गन्ने की, गन्ने का रस निकालने के बाद जो बचती है, या फिर मूंगफली के छिलके या कपास के डंठल या नारियल के गोले वगैरह, ये कुछ ऐसे कृषि अपशिष्ट है, कृषि वेस्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट है, जिनसे जलाने से हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा मछली पालन, कुक्कुट अपशिष्ट, पशु गोबर, यहाँ तक कि मानव कचरा भी, मानव वेस्ट भी जो है, ह्यूमन वेस्ट भी है, ये भी बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, इनसे बायोगैस बनाई जाती है बेटा। ग्रामीण भारत में जानवरों के गोबर के उपयोग का इस्तेमाल किया जाता है, उनको जलाकर गर्मी पैदा की जाती है, खाना बनाया जाता है उनको जलाकर के। वर्तमान में बेहतर क्षमता और लंबी चिमनी वाले धुएं रहित चूल्हे का उपयोग किया जाता है। आजकल इनसे जो बायोमास बनाया जाता है, बायोगैस बनाई जाती है, उसको लगा करके लंबी चिमनी वाले धुएं रहित चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। तो जानवरों का कचरा, पौधों के जो वेस्ट होते हैं, उनको जलाने से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। अपशिष्ट अवशेषों के रूप में बहुत अधिक राख पैदा होती है, साथ में इसमें बहुत ज्यादा राख बच जाती है। तो जब हम गोबर को जलाते हैं तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं इससे, क्योंकि गोबर में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी खाद बन सकते थे। इसलिए बायोमास को जैव ईंधन या फिर बायोगैस में बदलने की सलाह दी जाती है। इसीलिए गाँव में जगह जगह बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं बेटा। अगला है ऊर्जा वृक्षारोपण। ऐसे पौधे लगाना, ऐसे वृक्ष लगाना जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बात हम सबको मालूम है। इस प्रक्रिया में सूरज की सौर ऊर्जा बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पौधे जो होते हैं, पौधों में ये ऊर्जा बायोमास के रूप में इकट्ठी होती है। तो ऊर्जा वृक्षारोपण से ऊर्जा या तो सीधे जलाकर या फिर किण्वन द्वारा ईंधन या ज्वलनशील गैस में परिवर्तित करके उत्पादित की जाती है। हम लोग जो ऊर्जा लेते हैं या तो सीधे उनको जलाकर लेते हैं या फिर उनका किण्वन करते हैं। तो ऊर्जा वृक्षारोपण के उदाहरण है गन्ना, चुकंदर, मीठी ज्वार, जलीय खरपतवार, जलकुंभी, समुद्री खरपतवार, कार्बोहाइड्रेट युक्त आलू, अनाज, तेजी से बढ़ने वाले पेड़ जैसे चिनार, कॉटनवुड, ल्यूकेना, ल्यूकोसेफला, गैर काष्ठीय जड़ी बूटी, यानी कि ऐसी जड़ी बूटी जिसमें लकड़ी नहीं होती, घास, ये सारे के सारे पौधे लगाए जाते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। आगे है पेट्रो फसलें, जिनको पेट्रो क्रॉप्स कहा जाता है। कुछ पौधे या शैवाल होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से बहुत ज्यादा रिच होते हैं, एनरिच होते हैं, और बहुत उच्च तापमान और दबाव में तेल जैसे पदार्थ पैदा करते हैं। उनको अगर पौधों को अगर तेज दबाव डाला जाए, बहुत ज्यादा दबाव डाला जाए, ऊंचे तापमान पर रखा जाए, तो उनमें से तेल निकल आता है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये तैलीय पदार्थ जो होता है वास्तव में ऊर्जा का एक
संभावित स्रोत होता है जिसमें से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसे या तो गैसोलीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसे डायरेक्ट डीजल इंजनों में जलाया जा सकता है। ऐसी पेट्रो फसलों के उदाहरण है ताड़ का तेल और यूफोरविया जैसे पौधे, ये आपके पेट्रो फसलें कहलाती हैं। इनके लाभ क्या है? इनमें अपशिष्ट या बेकार पदार्थ जो होता है उसका भी इस्तेमाल हो जाता है। ईंधन उत्पादन की लागत बहुत कम होती है। इसके अलावा बायोमास जीवाश्म ईंधन की तरह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता, इसमें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। साथ में बिजली पैदा करने के लिए बायोमास का इस्तेमाल जो किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के ईंधन यानी कि बायोगैस जैव ईंधन के निर्माण के लिए किया जा सकता है। बायोमास का इस्तेमाल ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। साथ में बायोमास ऊर्जा जो होती है अवशिष्ट पदार्थ के निस्तारण लागत को कम करने में मदद करती है। यानी कि अगर हम बायोमास ऊर्जा बनाते हैं तो उससे क्या होता है, जो वेस्ट के जो आजकल दिल्ली में जो जगह जगह कूड़े के ढेर आपको दिखाई पड़ते हैं, इनको निपटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये कूड़ा कम हो जाता है। इस कूड़े को निपटान में भी सस्ता पड़ता है। इससे साथ में इसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल का जीवन बढ़ जाता है, साथ में वहाँ की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। वहाँ पर वो जगह जो होती है वो बचा हुआ जो वेस्ट होता है उसको वहाँ पर खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो बायोमास ऊर्जा से ईंधन उत्पादन में नकारात्मक लागत होती है क्योंकि इससे उल्टा प्रोडक्ट मिलता है बनने के बाद। इसका जो अपशिष्ट बचता है, जो इसका वेस्ट बचता है वो खाद के रूप में काम आ जाता है। तो इससे नकारात्मक लागत होती है, यानी कि आपको लगाने के बाद एक तो आपको बिजली फ्री मिलेगी, साथ में आपको बेचने के लिए खाद भी मिलेगा। तो बायोमास ऊर्जा के उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आती है। साथ में जीवाश्म ईंधन है जो कि हमारे आज की तारीख में कम होने के कगार पर है और एक दिन खत्म हो जाएंगे अगर हम उन्हें ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है बायोमास ऊर्जा के रूप में। लेकिन इसके नुकसान क्या है? बायोमास ऊर्जा के उत्पादन में मुख्य समस्या पर्याप्त मात्रा में ईंधन एकत्र नहीं होता। पर्याप्त मात्रा में ईंधन इकट्ठा नहीं होता, घर घर जाके आप गोबर लेकर के नहीं आ सकते, ये हमेशा उपलब्ध भी नहीं होता है। साथ में इनका जो मूल्य होता है, बायो क्रॉप्स का जो मूल्य होता है वो लागत फसल से ज्यादा होता है, क्योंकि बायोक्रॉप जो होती है बहुत महंगी पड़ती है उगाने में और ये खाद्य उत्पादन को कम कर सकता है। अगर इन्हें उगाएंगे तो खाने के अनाज नहीं उग पाएंगे, इससे भोजन की कमी आएगी, उनकी कीमतों में वृद्धि होगी, खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी, खाद्यान्न महंगी हो जाएंगे, इससे वायु प्रदूषण करने वाले ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। बाकी कोई नहीं निकलता, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें भी निकलती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन यानी कि जीवाश्म ईंधन, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। तब तक आप इसको समझिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।